नमस्कार दोस्तों, मैं माजिद आपके सामने एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल मार्शल टेक पे। बिग बॉस 14 के अंदर जाने के लिए बोला गया था किस किस से? बिग बॉस 14 के अंदर जाने के लिए बोला गया था आसिम रियाज और हिमांशी खुराना से, और बोला गया था मायरा से, पारस से, सिद्धार्थ शुक्ला जी से और शहनाज कौर गिल जी से। लेकिन मैं आपको एक बात ये बता दूं, आप सोचोगे मैं नाम क्यों गिना रहा हूँ। ये नाम मैं इसलिए गिना रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता हो कि एक छोटा सा आदमी, एक छोटा सा बच्चा जगह जगह लेते हुए फिरता है सबके पोस्ट, कि उसने बोला था शहनाज कौर गिल जी से, शहनाज जी समझे आप, पांडे जी। तो पांडे जी ने पूछा था कि शहनाज कौर गिल जी से कि आप बिग बॉस में क्यों नहीं जा रही। तो शहनाज कौर गिल जी ने क्या बोला था, मैं क्यों जाऊं बिग बॉस के अंदर, क्यों जाऊं, मेरे पास तो सब कुछ है जो मुझे बिग बॉस से मिलना था, मिल गया, जो मेरे पास है बहुत कुछ है और मुझे ज़रूरत नहीं है बिग बॉस की, मैं क्यों जाऊँ बिग बॉस में। और बाकी में हम देख रहे हैं कि शहनाज कौर गिल जी के पास काफ़ी काम है, तो इसका मतलब क्या है, क्या सिद्धार्थ शुक्ला के मुंह पे एक करारा तमाचा मारा गया है शहनाज कौर गिल जी की तरफ से, या सिद्धार्थ शुक्ला जी के पास कुछ भी नहीं है, या बिग बॉस ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। बाकी में हमने बाहर निकलने के बाद यही देखा कि शहनाज कौर गिल जी के पास काफ़ी काम है और सिद्धार्थ शुक्ला जी के पास काम नहीं है, ना गौहर के पास काम नजर आया और ना ही हीना के पास। बाकी माहिरा भी शूट कर रही है, पारस भी शूट कर रहे हैं अच्छे अच्छे, और आसिम रियाज भी शूट कर रहे हैं, और हिमांशी खुराना भी काफ़ी शूट करती हुई नजर आए। सिर्फ क्या कहते हैं कि सिद्धार्थ 2-3 सॉन्ग करते हुए नजर आए इस सिर्फ 6 महीने के अंदर, बाकी कुछ भी करते हुए नजर नहीं आए। तो शहनाज कौर गिल जी ने इतनी बड़ी बात क्यों बोली? कहते हैं कि शहनाज कौर गिल जी के पास भी माइंड काफ़ी है, बाकी काफ़ी सोच समझ कर वो अपना डिसीजन लेती है। जिस तरीके से अपना डिसीजन ले रहे, वो महाराष्ट्र में रह रही है और काफ़ी काम कर रही है अपनी फैमिली को छोड़ के। तो ये क्या वाकई में ही सिद्धार्थ के मुँह पे करारा तमाशा मारा उन्होंने कि मेरे पास बहुत कुछ है, मैं क्यों जाऊँ बिग बॉस 14 के अंदर? फिर कहने की बात ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मार्शल टेक को।